देखो यार, स्कीबिडी टॉयलेट्स वर्सेस कैमरा रेस, स्पीकर रेस, टीवी रेस, क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जैसी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जहां स्कीबिडी टॉयलेट्स हमेशा विलेंस ही रहते हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर अप ने कुछ नया सोचा है। एक जॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और अब हर कोई खतरे में है, चाहे वो स्कीबिडी टॉयलेट्स हो या हमारे हीरोज की टीम। ये वायरस हर किसी का दुश्मन है और इस वायरस से लड़ने के लिए अलायंस और स्कीबिडी टॉयलेट्स को साथ काम करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एपिसोड से, जहां टॉयलेट्स और अलायंस दोनों ही किसी से डर के भाग रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज से डर रहे थे। एक जॉम्बी टॉयलेट एक कैमरामैन को खा रहा होता है और जैसे ही ये जॉम्बी टॉयलेट दूसरे शिकार की तरफ जाता है, वैसे ही ये कैमरामैन बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है और POV कैमरामैन की तरफ देखकर अपना इन्फेक्टेड चेहरा दिखाता है। अब ये जॉम्बी बन चुका है और पहले से ज्यादा फुर्तीला है। ये POV कैमरामैन के ऊपर छलांग लगाता है लेकिन मिस हो जाता है, जिसके बाद POV कैमरामैन पूरे खून खराबे से भागते हुए बचने की कोशिश करता है। हर जगह जॉम्बी फैल चुके हैं और तभी एक एयरक्राफ्ट POV कैमरामैन को लेने आता है, जिस मौके को ये जाने नहीं देता। एयरक्राफ्ट में चढ़ते ही हमें दिखता है एक टैबलेट, जिसकी स्क्रीन पर एक न्यू वायरस की वार्निंग है, वायरस 19, जो कि एक जॉम्बी वायरस है। अगले एपिसोड में अलायंस एक X-18 नाम की बंदूक को लेने जाते हैं, लेकिन यहां ऑलरेडी एक बड़ा जॉम्बी टॉयलेट मौजूद है जो कि अलायंस के मेंबर्स पर हमला कर देता है और दो कैमरामैन को मार के POV कैमरामैन को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर POV कैमरामैन को इस जॉम्बी के मुंह से बाहर फेंक देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हीरो खुद को नहीं बचा पाता, जिसके बाद POV कैमरामैन अपने टारगेट की तरफ भागता है और ये जॉम्बी टॉयलेट इसका पीछा करता है। लेकिन कैमरामैन एक टनल से गुजर कर अपना पीछा छुड़ा लेता है, बट अगेन यहाँ जॉम्बी साइंटिस्ट टॉयलेट कैमरामैन को मारने आ जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एक मिसाइल आते हुए नजर आती है और कैमरामैन को कोई टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक होलोग्राफिक शील्ड बना देता है। जब कैमरामैन देखता है कि उसे किसने बचाया, तो उसे ऊपर कोई नजर आता है जो तुरंत टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। काफी चांसेस हैं कि ये कोई टीवी मैन रहा होगा, क्योंकि इस तरह टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी तो उन्हीं के पास है। एपिसोड 3 में 3 कैमरामैन की टीम उस X-18 बंदूक को लेने जाती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ सही नहीं है। जॉम्बी टॉयलेट और जॉम्बी कैमरामैन यहाँ घूम रहे हैं, जिनसे बच के जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अलायंस टीम एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट एक जॉम्बी कैमरामैन इन्हें ढप्पा कर देता है, जिसको पीछे मौजूद कैमरामैन तुरंत गोलियों से उड़ा देते हैं। लेकिन बंदूक की आवाज से बाकी जॉम्बी चौकन्ना हो जाते हैं। एक जॉम्बी तो कैमरामैन के ऊपर ही चढ़ जाता है और एक कैमरामैन जॉम्बी टॉयलेट का शिकार बन जाता है। POV कैमरामैन भी जॉम्बी बन ही जाता अगर सही समय पर एक टॉयलेट आकर इसे बचाता नहीं। POV कैमरामैन अपने साथी को टॉयलेट पर हमला करने से रोकता है, यानी अब ये साथ मिलकर काम करेंगे। तभी जॉम्बीज की बॉडीज हिलने लगती है और ये सब एक कमरे की तरफ भागते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे जॉम्बीज फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सब कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और पीछे के रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ बहुत ही तेजी से जाता है। ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जॉम्बीज दरवाजे की जाली तोड़ देते हैं, जिन्हें रोके रखने के लिए कैमरामैन पूरा कंट्रोल बॉक्स ही पलटा देता है और इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो ये मजबूर होकर आगे बढ़ते हैं और नीचे इन्हें नजर आता है एक डार्क स्पीकर मैन। कैमरामैन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये डार्क स्पीकर मैन एक जॉम्बी है और ये अलायंस के ऊपर हमला करने लगता है। बिना किसी देरी के टॉयलेट एक दरवाजा खोलकर आने को कहता है और कॉरिडोर में हम एक दरवाजे को बंद होते हुए देखते हैं, जो किसने करा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मे बी ये कोई डॉट होगा जो सीरीज में आगे जाकर कनेक्ट होगा। फिलहाल ये सब बचते बचाते एक जगह पर अटक जाते हैं। हमें लगता है अब खेल खत्म, लेकिन बाहर से एक एयरक्राफ्ट दीवार तोड़कर जॉम्बीज को रोक देता है और एक दरवाजे से अंदर जाते ही एक साइफाई कॉरिडोर नजर आता है, जहां स्कीबिडी टॉयलेट अपना पासवर्ड बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। यानी ये बेस स्कीबिडी टॉयलेट का हुआ करता था, लेकिन अभी यहां तबाही हो चुकी है। और अंदर जाते ही राइट साइड में हमें दो नोटिस नजर आते हैं। एक नोटिस थैंक्स बोलने के लिए है, उनके लिए जिन्होंने मॉन्स्टर अप के चैनल की मेंबरशिप ली होगी, और दूसरे में लिखा है देयर हियर, और तस्वीर में ड्रिल रेस के मेंबर्स जैसे कोई नजर आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि ड्रिल रेस भी जॉम्बीज बन चुकी है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो देखते हैं आगे, तो पता चल ही जाएगा। थोड़ा आगे जाते ही हमें मिलती है X-18 बंदूक और फिर बढ़ते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, जहां वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद था। और एक वीडियो में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट टॉयलेट कंट्रोलर 19 नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है, लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ता है एक हाथ नजर आता है, जो कि कंट्रोलर 19 वाली ड्राइव हटाकर वायरस 19 वाली ड्राइव लगा
लगा देता है। और जल्दबाजी में साइंटिस्ट टॉयलेट इतना ध्यान ही नहीं देता कि ड्राइव बदल चुकी है और वही वायरस वाली ड्राइव अपने टेस्ट सब्जेक्ट कैमरामैन पर लगा देता है। तभी एरर वार्निंग आ जाती है और ये टॉयलेट कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ क्या, क्योंकि इसने तो कंट्रोलर बनाया था, वायरस कैसे आ गया। और तभी वायरस एक्टिवेट हो जाता है और साइंटिस्ट टॉयलेट को इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस पक्का किसी टीवी रेस वाले ने एक्सचेंज करा है। इसका कारण क्या रहा होगा वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, जिसके बाद वीडियो टेप खत्म हो जाती है और कैमरामैन वायरस वाली ड्राइव को सिक्योर कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को तो कैमरामैन X-18 बंदूक से ढेर कर देता है, लेकिन डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एस्ट्रो टॉयलेट की एंट्री होती है। जब तक एस्ट्रो टॉयलेट इस ज़ॉम्बी को संभालता है तब तक अलायंस बच के भागने लगते हैं, लेकिन रस्ते में नजर आता है SCP-49। और अजीब बात यह है कि ये SCP मदद मांग रहा है। खुद ही सुन लो। वेल, पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी है सभी लोग बचकर एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहां हम एक ड्रिल मैन को भी देख सकते हैं और नीचे डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट को खा रहा होता है, यानी अब एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी टैबलेट पर एक वार्निंग दिखाई जाती है, बेस पर हमला हो चुका है और X-18 बंदूक की बहुत जरूरत है। Episode 6 में ये सभी अपने एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, जहां X-18 गन की फंक्शनैलिटी को रेल गन पर सेट कर दिया जाता है, यानी अब ये गन ज्यादा डैमेज करेगी लेकिन इसकी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी, एक बारी में सिर्फ एक गोली, फिर रिचार्ज होने के लिए इंतजार। इसीलिए सोच समझ के चलानी होगी ये बंदूक। इसका नया मोड एक्टिवेट करते ही एयरक्राफ्ट पर कोई हमला कर देता है और सभी तेजी से जमीन की तरफ गिरते हैं। जब कैमरामैन उठता है तो चारों तरफ तबाही नजर आती है और सैडली एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये हाइड्रा टॉयलेट की सारी गर्दन मक्खन की तरह काट देता है। कैमरामैन जल्दी से रेलगन लेने भागता है और एस्ट्रो ज़ॉम्बी को ढूंढता है, जो कि कैमरामैन के दोस्त टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैमरामैन उसके ऊपर रेलगन चलाकर उसका ब्लेड वाला हाथ ही तोड़ देता है। एस्ट्रो ज़ॉम्बी कैमरामैन को देखकर गुर्राता है और फुल स्पीड में फेज होते हुए कैमरामैन को कंफ्यूज करता है, लेकिन कैमरामैन एक और बार गोली नहीं चला सकता क्योंकि बंदूक की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी एस्ट्रो ज़ॉम्बी एक कार लेकर उसे घुमाने लगता है और फुल पोटेंशियल पर स्विंग करके कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन बड़ी मुश्किल से उस कार को डॉज करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो सीधा हमला करने को ही आने लगता है। यहाँ हमें लगता है कि ये कैमरामैन गया, बट इधर एंट्री होती है जी टॉयलेट की। कभी सोचा नहीं था कि इसे देखकर खुशी होगी, लेकिन जी टॉयलेट मदद करने आ चुका है और एस्ट्रो टॉयलेट के बैकअप में भी ज़ॉम्बी साइंटिस्ट आ जाता है। अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच होगी, जिसमें कौन जीतेगा वो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग ये बताओ, क्या आप मेरी रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहोगे? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। गाइस, एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स तो कंप्लीट करा दो। अगर करा दिए तो मैं पक्का बैक रूम्स के ऊपर इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।